स्टूडेंट, अब एक डिफरेंट चीज हमने अब तक ट्रायंगल लॉ ऑफ प्रेडिक्शन डिस्कस किया है, आगे चलकर हम कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ प्रेडिक्शन ऑलरेडी हो चुका है, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ और वेक्टर सबट्रैक्शन डिस्कस करते हैं कि वेक्टर सबट्रैक्शन कैसे होगा। प्योरली एनसीईआरटी प्रोस्पेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव प्रोस्पेक्टिव हम नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस पर हम इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं कैसे ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सबट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखते हैं। अब आप दो वेक्टर्स को ऐसे को इनिशियल वेक्टर की तरह से रिप्रेजेंट करो, दीज आर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये दोनों वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एट एंगल 30 या एट एंगल थीटा। This angle is theta. So what is the resultant of these two vector? This can be calculated by parallelogram law of vector addition and triangle law. Also, you can use the triangle law of vector addition and the parallelogram law of vector addition also applicable. That's so. सबसे पहले आप इसका parallel vector draw करो। हमने इसका एक parallel vector draw किया B का। This is the parallel vector of B. ऐसे ही ए को का पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करोगे, तो अगर ऐसा करोगे तो ये एक पैरेललोग्राम होगा, दिस बिकम ए पैरेललोग्राम ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों के साथ ये जो इसका डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, दिस इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इट विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ये जो आर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। बाकी की सभी टर्म्स जो भी हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में समझ रहे थे, सब कुछ एज इट इज उनको कॉपी करना है जैसे हम पहले करते आए। कैसे? अब आपको इससे परपेंडिकुलर डालना है, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करके लेके जाएंगे, दैट एंगल बिकम्स 90 डिग्री। ये P मान सकते हो, ये Q मान सकते हो, ये S and T. That angle is theta, A and B के बीच में, this angle is also B theta and this angle is beta, which represent the direction of resultant with vector A. जो vector A के साथ उसकी direction को क्या करेगा? Represent करेगा। तो term आपको use करना है parallelogram of vector addition में, parallelogram में इसके लिए आपको दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया गया है दो वेक्टर्स को, तो आप ज्योमेट्रिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हो या मैथमेटिकली आप इसको बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं तो बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आर वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और जो डायरेक्शन हमको निकालनी होगी ना रिजल्टेंट की, वो सेम उसी रिलेशन से निकालने होंगे जिस रिलेशन से हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में निकाला था। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ वही यूज करना है। बस स्टेटमेंट में आप याद रखोगे कि दोनों एडजेसेंट साइड होनी चाहिए पैरेललोग्राम की, और जो डायगोनल है वो भी उसी पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट से ए और बी वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यू कैन फाइंड इजीली। इसी के साथ हम पैरेललोग्राम के साथ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ले लेते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन इस पॉइंट को भी डिस्कस कर देते हैं इसी पॉइंट इसी में, तो बहुत सिंपली ये भी डिस्कस हो जाएगा। अब क्या है, ये दोनों लॉ हमारे एप्लीकेबल हैं केवल दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को मल्टीपल वेक्टर एक साथ ऐड करने हैं तो हाउ कैन इज इट पॉसिबल, तब हम यूज करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे? जैसे हमने एक वेक्टर लिया ए, दिस इज वेक्टर ए,
और इसके साथ हमने एक बी वेक्टर को ऐड किया, दिस इज वेक्टर बी, है ना। अब आप ये देखो, हमने आपको पढ़ाया था कि ये वेक्टर जो होगा, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट शुड बी आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अगर मेरे को फोर वेक्टर्स ऐड करने हैं, ये हमारा ए वेक्टर था जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये बी वेक्टर है जिसको मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, मैं इन वेक्टर्स को आपस में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास फोर वेक्टर्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर हमने ड्रॉ किया और इसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को ऐड किया गया, तो दो वेक्टर्स का सम हो गया ए और बी का, दैट साइड इज ए और बी। अब आप क्या करोगे, इसके साथ सी वेक्टर को ऐड करोगे यहां पर, दैट इज सी वेक्टर। अब देखो ए प्लस बी तो यहां तक ऑलरेडी आ चुका है, अब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बनाएगा ये, तो दैट साइड बिकम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब आप क्या करो, लास्ट में हमारे पास बचता है डी, तो आप इस डी वेक्टर को भी इसके साथ ऐड करोगे, तो दिस इज डी वेक्टर। अब आप इसके फाइनल पॉइंट और इसके इनिशियल पॉइंट को आपस में एक दूसरे से मैच कर दो, ये हमने इसको मीट करा दिया, तो अब जो मिलेगा दैट वेक्टर बिकम्स आर वेक्टर, ये हमारा आर वेक्टर होगा जो किसके इक्वल है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के। तो पॉलीगन लॉ के थ्रू आप इस तरह से किन्हीं थ्री और मोर वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो सिंपल स्टेटमेंट भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, सिंपली एक स्टेटमेंट ले सकते हो, इफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन represent the vectors in the direction and magnitude both, then the closing side of that polygon is represent the sum of these vectors in opposite direction. ये हमारा R जो होगा वो opposite direction में होगा इन सभी के sum के equal. तो इस तरह से आप multiple vectors को क्या कर सकते हो, add कर सकते हो, है ना। Mathematical आप जैसे पहले सॉल्व करते आ रहे हो, सेम उसी में कुछ एक्स्ट्रा आपको अमेंडमेंट नहीं करना, सेम वे में आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। अब देखो, अब की बार हमको दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना है, अब तक हम वेक्टर्स का एडिशन सीख रहे थे, अब सबट्रैक्शन, तो एक कॉमन पॉइंट की मदद से आप सबट्रैक्शन और एडिशन दोनों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो ये ए वेक्टर है और इसके साथ बी वेक्टर ऐड करना है, अगर मैं इस बी वेक्टर को ऐड करता हूं तो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू बिकम्स दिस, दिस इज आर वेक्टर, और जो आर वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको ये ऐड नहीं करना, सबट्रैक्ट करना है। तो देखो आर वेक्टर जो है, अगर मैं इसको सबट्रैक्ट करना है एडिशन में, तो हमने ये कह दिया आर वेक्टर बिकम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बट इन सबट्रैक्शन अगर लेते हैं, सबट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, आर डैश वेक्टर लेते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये अगर सबट्रैक्ट करना है तो, है ना, इसको और थोड़ा सा चेंज करो, मैं इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, है ना, तभी तो इक्वेशन हमारी करेक्ट है, तब कैसे लिख सकते हैं। तो देखो अब सिंपल क्या है कि जब माइनस साइन मैंने इसके साथ लगाया है, इसका मतलब है कि द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विल रिवर्स, इस वेक्टर की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब जिस डायरेक्शन में ये गिवन है आपको जस्ट अपोजिट ले जाना है उसको। ये वेक्टर उस साइड था, मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो ये वेक्टर इस साइड आएगा, That is minus b vector. अब आप अगर इन दोनों को आप ऐड करना चाहते हो, देखो जब ये दोनों ऐड हो रहे थे तो that angle is theta. अब ये जो एंगल होगा ये होगा 180 माइनस ऑफ थीटा के, क्योंकि ये टोटल एंगल 180 का है, इसमें से ये पार्ट अगर थीटा है तो रिमेनिंग पार्ट कितने डिग्री का होगा, 180 माइनस थीटा का। तो फिर क्या करो, इसको इससे मिलाओ, इसको अगर ऐसा किया तो दैट वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर,
ये हमारा r डैश वेक्टर होगा जो a माइनस b को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कोई भी एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या चेंज करना है कि जो b वेक्टर है उसके डायरेक्शन को रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के बाद आप दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो। जैसे ऐड करते हैं आपने, अगर वैसा ही आपने अडॉप्ट किया देन फिर आपको क्या मिल जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर मिल जाएगा, अगर आपने इस प्रोसेस को कॉपी किया होगा। आई बात समझ में नहीं आई और समझते हैं, देखो ये बात तो कि हमारा ज्योमेट्रिकली हमने इन चीजों को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। मैं कहता हूँ अगर आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका समझना है, मैथमेटिकल लेना है, तो बहुत सिंपल है। अगर ये एंगल अपने बीटा माना था तो ये जो एंगल होगा दैट एंगल इज अल्फा, तो आर डैश वेक्टर दैट इज मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, तो आप सिंपली यूज करोगे बेटा इस वाले रिलेशन को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की जगह यूज करोगे 180 माइनस थीटा, ध्यान रखना दिस इज द डिफरेंस, और cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा के इक्वल होता है, दैट्स व्हाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा के इक्वल होगा, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज r वेक्टर इक्वल टू आ गया हमारा मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर। इस वाले फॉर्मूले से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, इसका a माइनस b का। अब अगर मैं कहता हूं कि डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो tan अल्फा इक्वल टू है ना, हमने आपको पहले पढ़ाया था tan बीटा निकालने के लिए b sin थीटा, थीटा की जगह आप यूज करोगे 180 माइनस थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब ये बेटा तो टेन एल्फा इक्वल टू आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा के इक्वल होता है, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा, याद रखना। तो जहां प्लस साइन आया था वहां आपको माइनस यूज करना है, देख लो यहाँ पर माइनस आया है और यहाँ माइनस आया है, तो दो टर्म्स आपको लर्न करके रखनी है। पहला टर्म सिंपली खत्म करना चाहते हो, सिर्फ ये पॉइंट्स मेमोराइज करना, डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर विल रिवर्स, आपको रिवर्स करनी है, एक तो ये पॉइंट याद करना बस। दूसरा ठीक है, यहाँ एंगल की जगह थीटा की जगह आपको प्लेस करना होगा 180 माइनस थीटा, और प्लस का साइन जहां आया है उसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव में। ये तीन पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने, सिर्फ और सिर्फ, बाकी का कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसे आपको एडिशन एडप्ट कर रखा था सेम मैनर में आप किसको लोगे, सब्ट्रैक्शन को लोगे, तो दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी बहुत सिंपली ऐसे परफॉर्म किया जा सकता है जैसे आप एडिशन कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंबाइंड प्रॉब्लम लेने की कोशिश करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया कि एक बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर आपने ऐड किया है, मैंने ए वेक्टर को ऐड कर दिया, दिस इज ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर हमने जो ऐड कर किया तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी, That is r vector. वो ये कहते हैं कि अगर मैं b vector, a vector को subtract कर देता हूँ b में से, subtract करूँगा तो a क्या करना होगा मेरे को, minus करना है, that is a vector. कौन सा, minus a. Question ये है कि a vector और b vector पहले add किए गए हैं, है ना? तो resultant r मिलता है हमें। अगर हम ये कहते हैं कि b vector में से a vector subtract कर दिया जाता है तो आपको r डैश मिलता है, और अब जो r वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है r डैश वेक्टर के, तो a और b के मैग्नीट्यूड में रेशियो बताओ क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर हुआ क्वेश्चन, दोबारा समझ लो, पहले हमने a और b ऐड किया है तो r वेक्टर आया, अब हमने
बी में से ए को सब्ट्रैक्ट किया है तो आर डैश वेक्टर है, आर डैश वेक्टर ये, दिस इज आर डैश वेक्टर। जब आप इनको ऐड करते हो द एंगल बिटवीन दीज टू बिकम्स 90 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब आपको ये बताना है ए और बी का रेशियो क्या होगा, आपको बताना है रेशियो ऑफ मॉड ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर, सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप ये देखते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो मैं इसका पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये इसका पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है, और इसका भी ड्रॉ करता हूं तो यहां पर भी इसका पैरेलल वेक्टर होगा, आप इसको ऐसे ले लो, और इसका ये पैरेलल वेक्टर होगा, तो इसका मोड ए मान है, इसका भी मोड ए होगा। तो अब आप इक्वेशंस यूज करना स्टार्ट करो बेटा, तो r इक्वल टू आपको पढ़ाया था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तो ऐड करने पर है, और सब्ट्रैक्ट करने पर r डैश जो है पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आप ये तो होगी फॉर एडिशन, अब आप सब्ट्रैक्शन के लिए लेते हो, फॉर सब्ट्रैक्शन मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आर डैस इक्वल टू किसके आएगा बेटा, आर डैस का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मैंने कहा था ना कि ये साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। अब आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो बेटा, है ना, ऐड करो, आपको ये कहते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पर है, इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पर है, कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर फंक्शन कर रहे हैं। एक इक्वेशन तो हम यहां से देते हैं, देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐड कर दो इसको, पहले ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ab cos थीटा, सॉरी ऐड आया, ऐड किया ये प्लस होंगे, ये कैंसिल हो गए, तो आर स्क्वायर प्लस ए आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। एक इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरा इक्वेशन यहां गौर से देखो, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, है ना, ये 90 डिग्री का, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, 2a के होल स्क्वायर के, तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर। अब आप देखो गौर से कंबाइन करो दोनों इक्वेशंस को, ये वैल्यूज हम यहां प्लेस कर सकते हैं, 4a स्क्वायर नहीं कर सकते, देखो यहां देखेंगे हम, प्लेस करो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर, अब आप इन्हें सॉल्व करो बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, देखो यहां सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को सॉल्व करोगे तो 4a स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, b स्क्वायर के, तो a स्क्वायर किसके आएगा, b स्क्वायर के, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, b के। इसका मतलब ऐसे इन दोनों में अगर रेशियो पूछा गया है तो आपको रेशियो पता लग जाएगा, a और b दोनों का रेशियो 1:1 होगा, दैट इज सेम मैग्नीट्यूड वाले होंगे दोनों वेक्टर a और b, तो 1:1 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप एडिशन को और सब्ट्रैक्शन दोनों को कंबाइन कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से हम फर्दर प्रॉब्लम्स को हर एक वीडियो में प्रोसीड करेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे की तरफ ले जाएं, जिससे ये आप सबके लिए बहुत यूजफुल रहे।